हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 तक लिखा था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? राइट आंसर इन वन वर्ड, यानी नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर आपको वन वर्ड में लिखने हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, हु हैज 8 आर्म्स? हु हैज 8 आर्म्स? तो 8 आर्म्स किसके थे? किसके थे 8 आर्म्स? ऑक्टोपस के थे ना, तो आंसर में क्या लिखेंगे? एन ऑक्टोपस। क्वेश्चन में पहला लेटर कैसा करेंगे? कैपिटल, इसलिए मैंने ऐसा किया। इधर भी पहला लेटर कैसा करेंगे? कैपिटल। सेकंड क्वेश्चन, विच एनिमल रेज इट्स ट्रंक? कौन सा एनिमल अपनी ट्रंक को रेज कर सकता है, यानी कि ऊपर उठा सकता है? तो ट्रंक तो किसकी होती है? एलिफेंट की होती है ना, तो हम इधर क्या आंसर लिखेंगे? एंड एलिफेंट। एलिफेंट है जो अपनी ट्रंक को रेज कर सकता है ना। तो क्वेश्चन में पहला लेटर कैसा करेंगे? कैपिटल। और आंसर में भी ये पहला लेटर कैसा करेंगे? कैपिटल। थर्ड क्वेश्चन, विच एनिमल कैन स्विम इन वाटर? कौन सा एनिमल है ना, इधर भी विच था इधर भी विच है, तो यानी कि कौन सा एनिमल वाटर में स्विम कर सकता है? बहुत सारे एनिमल्स है ना ऐसे जो वाटर में स्विम कर सकते हैं, पर इधर हम लिखेंगे इजी वर्ड जो आपको याद रह जाए। ठीक है, आप इधर कोई भी ऐसा एनिमल का नाम लिख सकते हो जो पानी में स्विम करता हो, वाटर में स्विम करता हो। ठीक है, पर उसका स्पेलिंग भी फिर आपको आना चाहिए, इसलिए अभी मैंने फिलहाल इजी लिखा है, फिश। क्या लिखा है? फिश। तो विच एनिमल कैन स्विम इन वाटर, तो वो एनिमल है फिश। हु हैज कलरफुल विंग्स टू फ्लाई? फ्लाई करने के लिए किसके पास कलरफुल विंग्स हैं? फ्लाई करने के लिए किसके पास कलरफुल विंग्स हैं? तो क्या लिखेंगे आंसर? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का बी कैसा करेंगे? कैपिटल। और इधर भी क्वेश्चन में डब्ल्यू कैसा करेंगे? कैपिटल। फिश का एफ बी कैपिटल। ओके, उसके बाद की एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 7, मैच ए विथ बी। अब ए में इधर कुछ नाम दिए हैं जैसे कि मैना, बटरफ्लाई, एलिफेंट, कांगारू, फिश, गर्ल, ऑक्टोपस। बी में है ट्रंक, सिंग, विंग्स, रिगल, हॉप, 8 आर्म्स, लकी। इधर से देखिए, अब मैना क्या कर सकती है? ट्रंक, सिंग, विंग्स, रिगल, हॉप, 8 आर्म्स के लकी, सिंग। मैना क्या कर सकती है? सिंग, तो सिंग के साथ मैच किया। फिर बटरफ्लाई, तो क्या आएगा? ट्रंक, विंग्स, क्या आएगा? विंग्स। फिर एलिफेंट में ट्रंक, किसकी होती है ट्रंक? एलिफेंट की। कांगारू, रिगल, हॉप, 8 आर्म्स की लकी, तो कांगारू क्या करता है? हॉप, हॉप यानी कि जंप करना। और फिश क्या करती है? रिगल यानी कि टेढ़ा मेढ़ा चलना। गर्ल, गर्ल में क्या आएगा?
गर्ल लकी, अपने आप को लकी समझती है ना गर्ल। ऑक्टोपस, उसके होते हैं 8 आर्म्स। तो ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 7 की एक्सरसाइज। ओके, तो आज का आपका वर्क है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये आप लोग नोटबुक में लिखेंगे। फिर हम मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।